किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। दिल्ली के बॉर्डर में लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं पंजाब हरियाणा बॉर्डर की बात करें तो शंभू बॉर्डर से किसान आगे बढ़ चुके हैं। पहले किसानों ने बैरिकेड्स को पुल से नीचे फेंका और फिर वहां से आगे निकल गए। पुलिस अब भी किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है, लेकिन किसान पीछे हटने को राजी नहीं। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के शंभू बॉर्डर की। देखिए कैसे पुलिस एक तरफ आंसू गैस के गोले दाग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो किसान हैं वो ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ते हुए, गाड़ियां लेकर, बाइकों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पुल के दोनों ही तरफ आपको किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर आंसू गैस के गोले जब दागे गए तो पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बावजूद उसके ये किसान रुक नहीं रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, इन्हें दिल्ली पहुंचना है। तो शंभू बॉर्डर हरियाणा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीते कल भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें यहां से सामने आई थी, जब किसानों का एक जत्था यहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो उसने भी यहां पर लगे बैरिकेड्स को पुल से नीचे फेंक दिया। आज भी वही बीते कल की दोहराती हुई तस्वीर सामने आई। एक तरफ पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, इन पर आंसू गैस के गोले दाग रही थी, तो वहीं बेपरवाह किसान आगे बढ़ते चले गए और बैरिकेड्स को इन्होंने भी पुल से नीचे फेंक दिया। आप देख रहे हैं गाड़ियों में सवार होकर, ट्रैक्टरों में सवार होकर किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर शंभू बॉर्डर हरियाणा की ही आप देख रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया इन प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए आगे बढ़ने से, लेकिन किसान रुके नहीं, इन्होंने बैरिकेड्स उठाकर ही नीचे फेंक दिए, पुल से नीचे बैरिकेड्स फेंक दिए और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश ये करते नजर आ रहे हैं। आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, सब इनके आगे नाकाफी साबित हो रहा है। पुलिस के जो तमाम बंदोबस्त थे वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। इतनी संख्या में ये किसान हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत स्ट्रेटेजिकली ये आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा एक साथ जत्था नहीं चल रहा है, इन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है छोटे छोटे ग्रुप्स में, बड़े बड़े ग्रुप्स में किसान जो है वो बटे हुए हैं और वो अलग अलग बॉर्डर से आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप अंबाला के बॉर्डर की तस्वीरें देख लीजिए, हरियाणा के शंभू बॉर्डर की तस्वीरें देख लीजिए। इससे पहले हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई किस तरह से छोटे छोटे और कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स में ये किसान ट्रक लेके, सारा रसद लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई अड़चन अगर आ रही है, पुलिस द्वारा रोकने की अगर इन्हें कोशिश की जा रही है, तो उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेड ही ऊपर से नीचे फेंक दिया। मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अभय, हमने तस्वीरों में देखा किस तरीके से किसान जो है वो रुक नहीं रहे हैं। अगर उनके सामने बैरिकेड्स आ रहे हैं या ट्रक खड़े कर दिए जा रहे हैं तो या तो हटा दे रहे हैं या फेंक दे रहे हैं नीचे। देखिए बिल्कुल जोशा, जो तस्वीरें लगातार जो दिखाई दे रही हैं उसमें किसानों की पूरी कोशिश यही है कि किसी तरीके से वो दिल्ली के अंदर एंट्री कर दें। और जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये पूरा जो इलाका है यहां पर आप चारों तरफ देख सकते हैं, पुलिस ने हालांकि पूरा यहां पर बंदोबस्त किया हुआ है और दूसरी तरफ किसान बैठे हुए हैं। किसान जैसे ही कोशिश करते हैं आगे आने की, उन्हें रोका जाता है। सुबह से यहाँ पे 2-3 बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा चुका है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा चुके हैं। अब जो किसान अभी पानीपत की तरफ से आ रहे हैं, करनाल की तरफ से और यहाँ पर जुट रहे हैं, उनका इंतजार भी यहाँ पर बैठे हुए किसान कर रहे हैं। बीच बीच में ये लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं, हालांकि साफ तौर पर यहाँ पर जितने सीनियर ऑफिसर दिल्ली पुलिस के मौजूद हैं उनका यही कहना है कि इस तरीके के पूरे बंदोबस्त इस सिंधु बॉर्डर पर किए गए हैं कि किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि हमने हरियाणा में जो तस्वीरें देखी जहां पर बैरिकेड्स उठा के फेंक दिए किसानों ने और लगातार वो आगे आते गए, जहां जहां बॉर्डर पर उन्हें रोका गया वहां वहां पर उन्होंने पुलिस का उन्होंने सामना किया, जितनी तमाम तैयारियां थी उन सबको दरकिनार करते हुए किसान यहां तक पहुंच चुके हैं सिंधु बॉर्डर तक। सिंधु बॉर्डर बिल्कुल अब यहां से आगे दिल्ली शुरू हो जाती है, लेकिन यहां पर इंतजाम हालांकि काफी पुख्ता है, लेकिन किसान लगातार अड़े हुए हैं कि उन्हें दिल्ली के अंदर एंट्री करने दी जाए, दिल्ली आकर वो अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। फिलहाल यहां पर स्थिति यही है कि एक तरफ बहुत बड़ी संख्या में
दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात है, वाटर कैनन यहाँ पर तैनात है, तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और दूसरी तरफ मेन हाईवे जो है हरियाणा से दिल्ली आने वाला, यहाँ पर किसान बड़ी संख्या में सामने बैठे हुए हैं, आमने सामने एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ पुलिस बल है। लगातार कल से ही आप इन हालातों पे नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, और इससे पहले अगर कभी किसानों का प्रदर्शन हुआ है तो उससे जुड़ी खबरें भी आप हमें पहुंचाते हैं। एक, कितनी संख्या पे वहां पर किसान मौजूद हैं, क्या पुलिस बल की जो संख्या है वो काफी होगी, और जब और बड़ा जत्था आता है तो क्या स्थिति को काबू में किया जा सकता है? देखिए ज्योत्सना, अभी के अगर हालात को अगर मैं देखकर बात करूं तो फिलहाल तो इस तरह की तैयारियां यहां पर दिख रही हैं कि पुलिस यहां पर बड़ी संख्या में है, काफ़ी बड़ी संख्या में, ना केवल यहां पर पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी मौजूद हैं। और अभी तक हमने जो तस्वीरें देखी ज्योत्सना, जहाँ पर बैरीगेट्स को उठाकर फेंक रहे थे किसान, वहाँ से ज़्यादा बंदोबस्त यहाँ पर है। यहाँ पर ना केवल बैरीगेट्स बल्कि इस तरीके के बैरीगेट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, बीच बीच में यहाँ पर तार लगाए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं, उसके साथ ही यहाँ पर तमाम बड़े बड़े डंपर यहाँ पर रखे हुए हैं मिट्टियों में, उनमें मिट्टी भर गए, यहाँ पर तमाम डंपर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो स्थिति यहाँ पर ऐसी लगती है। शंभू बॉर्डर का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी कुमार विक्की वहां से मेरे साथ जुड़े हैं। कुमार विक्की, हम तस्वीरें देख रहे थे कि किसान जो है वो रुक नहीं रहे, हमने देखा ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ गए किसान, बावजूद पुलिस पानी की बौछारें उन पर फेंक रही है या फिर वाटर कैनन आंसू गैस के गोलों की बौछारें हो रही हैं। जी जो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सुबह से यूपी किसान फेडरेशन में हुआ है, लेकिन पाई की तादाद में आज किसान एक पर सवाल चलते हैं। चलिए, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुमार विक्की से भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी परेशानी नजर आती है। आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक बैरिकेड्स किसानों ने नीचे फेंक दिए। हालांकि एक तरफ पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल इन पर कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसान रुक नहीं रहे हैं। पहले एक बैरिकेड को पुल से नीचे फेंका, फिर दूसरा, अब ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं तीसरा बैरिकेड है जो किसान पुल से नीचे फेंक रहे हैं, और इनका यही कहना है कि इनको आगे जाना है दिल्ली। देखिए चौथा, पांचवा, किस तरीके से यहां लगे ज्यादातर बैरिकेड्स किसानों ने नीचे फेंक दिए। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। एक और बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, मेरे सहयोगी आनंद पांडे का सीधे रुख करते हैं। आनंद, टिकरी बॉर्डर से आप जुड़े हैं, वहां पे क्या हालात है? देखिए, यहाँ टिकरी बॉर्डर पे भी जो किसान हैं वो अभी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने डटे हुए हैं, और किसानों से बार बार पुलिस और पैरामिलिट्री के जो जवान ने ये अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाइए, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उन्हें जब तक दिल्ली के अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। किसान पूरी तैयारी के साथ आए, ट्रकों में खाने का सामान भर के लाए, पूरी रसद लेकर आए। उनका कहना है कि उनका जो ये आंदोलन है वो किसानों के लिए है, किसानों के बाल बच्चों के लिए, और इस तरह से पूरे देश के लिए, क्योंकि जब तक किसान जो है, जो अन्नदाता है, अगर उसके पेट पर लात मारी जाएगी, अगर उसके अनाज की सही कीमत नहीं मिलेगी, तो ऐसे में देश का पेट वो कैसे भर पाएंगे। और यही वजह है कि पूरी तैयारी के साथ किसान यहाँ पर आए हुए हैं, बार बार अनाउंसमेंट की जा रही पुलिस की तरफ से, पुलिस से झड़प भी हो रही है, बहस भी हो रही है, यहाँ तक कि हल्के फुल्के लाठीचार्ज भी पुलिस को करनी पड़ी, लेकिन जो किसान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और पुलिस को ये भी आशंका है कि ऐसा ना हो किसान आंदोलन की आड़ लेकर कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करें, तो इसके बीच बीच में यहाँ ड्रोन से भी ऊपर नजर रखी जा रही है, ताकि आसपास के एरिया में कहीं से कोई किसान अंदर घुसने की कोशिश ना कर रहे हो। हालांकि जो रोड है इसको तो बंद कर रखा है पुलिस ने, बैरिकेड्स लगा रखे हैं, और साथ साथ बड़ी बड़ी यहाँ गाड़ियों को खड़ा कर रखा गया है, ताकि यहाँ पर जो ट्रक के साथ किसान, ट्रैक्टर्स के साथ किसान है, वो अंदर ना जा पाए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जत्थे में या छोटे छोटे ग्रुप्स में किसान ये जो बॉर्डर है वो पार करके अंदर दिल्ली में घुसने की कोशिश करें, लिहाजा ड्रोन के जरिए भी पुलिस नजर रखी जा रही है। जो पुलिस के जो जवान है वो चारों तरफ यहाँ फैले हुए हैं, और वो बार बार हर जो भी गाड़ियां यहाँ पे आ रही हैं, हालांकि गाड़ियों की एंट्री नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो पैदल भी जाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे भी बार बार पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि आप किधर जा रहे हैं और आपको क्या काम है। तो ये पुलिस इंश्योर करना चाहती है कि किसानों का जो आंदोलन है, जो किसान है, वो दिल्ली के अंदर ना घुस पाए। पुलिस बार बार किसानों की दलील दे रही है कि दिल्ली के अंदर कोविड केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका आंकड़ा रोज बढ़ रहा है, यहाँ तक कि 100 से ज्यादा रोज कोविड से मौतें हो रही है, और ऐसे में दिल्ली के अंदर किसानों का जाके धरना प्रदर्शन करना ठीक नहीं रहेगा, लिहाजा वो किसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए,
लिए, अपने बच्चों के लिए लौट जाए। लेकिन किसान पर जो पुलिस की जो दलील है, पुलिस की जो रिक्वेस्ट है, उसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा। अभी भी लगातार पुलिस और किसान आमने सामने डटे हुए हैं। पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक उन्हें दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, तब तक वो इस जगह नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, आप एक बार फिर से मेरे सहयोगी कुमार विक्की का रुख करते हैं। कुमार विक्की, जो पहली तस्वीर सामने आई थी वो वहीं से सामने आई थी जहां पर आप मौजूद हैं बीते कल। अभी हमने देखा कि बैरिकेड्स आप कितने ही लगा दीजिए, वो सब किसान नीचे फेंक दे रहे हैं, ट्रकों से आगे बढ़ते हुए नजर आए। पुलिस रोकने की कोशिश करती रही, वो सिर्फ कोशिश भर रह गई। तो अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने किस तरीके से बैरिकेड्स को नीचे फेंका, ये हमने तस्वीरों में आपको दिखाया। कुमार विक्की भी हमें बता रहे थे पहले कि यहाँ पर जो किसान हैं उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि अभी उनकी आवाज में कुछ तकनीकी परेशानी मालूम होती है, वापस उनका रुख करेंगे। इसी बीच ये तस्वीरें आप देखिए, शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहाँ बैरिकेड्स लगाए गए थे पुलिस द्वारा, रोकने की कोशिश की जा रही थी किसानों को। लेकिन ये जो पुल नजर आ रहा है, इसकी जहाँ एक तरफ पुलिस वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ लंबी कतार में आपको किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। अभय पराशर का रुख करते हैं। अभय, फिलहाल आप वहां क्या देख पा रहे हैं? दूसरे बड़े जत्थे का इंतजार किया जा रहा था, कितना वक्त लगेगा उस किसानों के जत्थे को वहां पहुंचने में? देखिए अभी वक्त लगेगा, क्योंकि जहां से वो किसान आ रहे हैं उसके पास भी लगातार पुलिस की चेकिंग्स हैं और जगह जगह ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से बंद है। तो इस वजह से अभी आने में यहां पर समय लगेगा। हालांकि यहां के जो हालात हैं वो फिलहाल के हालात ये हैं कि एक तरफ किसान सड़क पर बैठे हुए हैं पूरी तरीके से, बीच बीच में लगातार नारेबाजी हो रही है, आवाज़ें लगातार सुनने को यहाँ पर हमें मिल रही है कि लगातार नारेबाजी की जा रही है किसानों की तरफ से, और उनका यही कहना है कि वो दिल्ली के अंदर एंट्री कर रहेंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस के इंतजाम यहां पर काफी ज्यादा है। जो यहां पर किसान बैठे हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अभी जो रास्ते में किसानों का छत्ता है, जो कि बड़ी संख्या में है, वो यहां पर जब पहुंच जाए उसके बाद एक बार फिर से किसान यही कोशिश करेंगे कि वो दिल्ली के अंदर एंट्री कर सके। अच्छा, हर बॉर्डर पे अभी हमने ये देखा कि किसान तैयारी के साथ आए हैं, स्ट्रेटजी उन्हें मालूम है। अब क्योंकि जो फाइनल बॉर्डर है, जहां से कह लीजिए अगर इसको पार कर गए तो समझिए दिल्ली प्रवेश हो गया, जहां पर आप मौजूद भी हैं, जब बड़ा जत्था वहां पर पहुंचता है तो जितनी संख्या में पुलिस बल तैनात है या जो फाइव लेयर सिक्योरिटी वहां पर देखने को मिल रही है, क्या वो काफी होगी? क्योंकि इन किसानों को देखकर ये नहीं लग रहा है कि ये इंतजाम काफी है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल तमाम जितने बॉर्डर्स की तस्वीरें लगातार अब तक हम देखते आए हैं जहां पर किसान बैरिगेट्स को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, ये फाइनल बॉर्डर है, इसके बाद दिल्ली की एंट्री शुरू हो जाती है। तो लिहाजा इसके हिसाब से यहां पर जितनी दिल्ली पुलिस की फोर्सेस हैं वो यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। देखकर फिलहाल तो ये लगता है कि यहां पर अगर किसान एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो झड़प होने के यहां पर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर लगातार किया जा रहा है, और अगर किसी तरीके से छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर, क्योंकि जहां पर ये सिंधु बॉर्डर है जोशना, उसके दोनों तरफ जो है गांव हैं और उन गांव के अंदर से रास्ता होता हुआ भी दिल्ली के अंदर जाता है, तो अगर वहां किसी भी तरीके से कोशिश की जाती है तो उन्हें डिटेन किया जाएगा। स्थिति यहां पर यही लग रही है। मतलब अभी आप ये कह रहे हैं कि इसके अलावा जो दो गांव से होते हुए रास्ते दिल्ली आते हैं वहां पर भी पुलिस ने अपनी तैनाती की हुई है? बिल्कुल जोशना, जितने भी ऐसे गांव हैं जो कि इन बॉर्डर के आसपास हैं, जो कि हरियाणा से बिल्कुल, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, हरियाणा से किसी गांव से आप एंट्री करते हुए बाहर की तरफ निकल सकते हैं, दिल्ली की तरफ निकल सकते हैं, तो हर रास्ते पर पूरी तरीके से बैरिगेटिंग है, चेकिंग हो रही है, रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक है। हालांकि किसानों की पूरी कोशिश है कि वो यहीं से एंट्री करें, पीछे जहां जिस तरीके से उन्होंने बैरिगेट्स तोड़ के उन्होंने एंट्री की, यहां पर भी यही कोशिश होगी। लेकिन यहां पर इंतजाम पुराने, अगर हम बात करें जो पीछे जितने बैरिगेट्स तोड़े गए हैं, जितने बॉर्डर्स पर हरियाणा पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उससे ज़्यादा तैयारी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात है, वाटर कैनन यहाँ पर तैनात है, आंसू गैस के गोले यहाँ पर तैनात है, लेकिन स्थिति पिछले बॉर्डर से यहाँ पर ज़्यादा लगती है तैयारी पुलिस की। हालांकि जब किसान का बड़ा जत्था जब यहाँ पर पहुंचेगा उसके बाद किस तरह की स्थिति होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, अबे हमने देखा सिंघू बॉर्डर पर जो तैयारियां की गई हैं उसके मद्देनजर
बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं, लगातार वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप इस तरह से प्रदर्शन मत कीजिए क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से भी आपकी बात को सुना जा सकता है और कृषि मंत्री ने 3 दिसंबर का वक्त भी दिया है। इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसानों के संपर्क में है। पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार किसान नेताओं से संपर्क में है, दोनों के बीच कई राउंड की बातचीत भी हुई है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसानों के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर राजनाथ सिंह ने किसान नेताओं से संपर्क साधा है और दोनों ही यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है। हालांकि लगातार ये भी सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि प्रदर्शन से हल नहीं निकलेगा, अगर हल निकालना है तो एक शांतिपूर्ण तरीका अपनाना पड़ेगा और वो यही है कि आप आइए हमसे बातें कीजिए, बातचीत के जरिए ही हल निकलेगा। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों से संपर्क साधा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर राजनाथ सिंह ने यह कदम उठाया है, किसान नेताओं से वो संपर्क में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है, जहां एक तरफ इस पूरे मुद्दे को लेकर किसान जो है वो आंदोलनरत है, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि उनको दिल्ली में प्रवेश करना है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा रक्षा मंत्री ने किसान नेताओं से बातचीत की है, उनके संपर्क में है। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, इस पूरे मामले पर आपके पास और क्या अपडेट है? ये सरकार की तरफ से किसानों को समझाने के लिए किस कदर प्रयास किए जा रहे हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार में नंबर 2 जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, बीजेपी के फार्मर फेस के तौर पे जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बोला है और उस जिम्मेदारी के तहत वो खुद किसान नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। तो जो बार बार ये सवाल खड़ा किया जाता है कि सरकार रीच आउट क्यों नहीं कर रही है, सरकार बहुत शीर्ष स्तर से रीच आउट कर रही है, सरकार में नंबर 2 राजनाथ सिंह खुद बात कर रहे हैं किसान नेताओं से, उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं, जो किसानों के हित में फैसला लिया गया है उस फैसले को अगर आप और समझना चाहते हैं तो आइए बातचीत कीजिए, लेकिन इस तरह के प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं। और पिछले दिनों जब अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी किसान नेताओं की, तब भी ये कहा था कि पंजाब एक सिपाही राज्य है और कई बार ऐसे आंदोलन का शरारती तत्व फायदा उठा लेते हैं, तो ये कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से लगातार किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है, देखना होगा इसका नतीजा क्या निकलता है। जी चलिए, नतीजे का इंतजार है और उम्मीद है कि नतीजा अच्छा ही निकलेगा। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है।